Hello friends, I welcome to all of you on Competitive Help channel, and in this video we are going to discuss important questions of RRB Group D that were asked in previous years, and I hope you are having fun while watching the videos. And I basically request to all of you to subscribe and share as much as you can, because it matters for us, because without your support we are nothing. And if we can support to vloggers or the stand-up comedians and other channels who are not providing educational content, just providing entertainment content or vlogging content, then if you can subscribe those channels, then why you can't subscribe educational contents, educational videos? Or because if you will subscribe, it will basically help us to in our economy. How it will help us in our economy? Because the earning that will we get, it will come in India. Okay, so it will show our development. Okay, it means we will move towards the developed country. Okay, so no problem. I am happy that my growth is very slow, very gradual, but with your support, maybe one day I will also get good quantity of subscribers. And so this is my 100% yes assumption that it is possible. So no problem. Why was I sharing all this information with you? Because without you we are nothing, our channel is nothing. So please share as much as you can, because we are trying to provide the important questions with you only, filtered questions. So let's see part number second and part number first we have already shared with you. Let's start question number 5. चार प्रशिक्षित मजदूर एक तालाब को बनाने में 8 दिन का समय लेते हैं, वहीं 8 अप्रशिक्षित मजदूरों द्वारा इसे बनाने में 12 दिन का समय लगता है। 3 प्रशिक्षित और 15 अप्रशिक्षित मजदूरों द्वारा तालाब को बनाने में कितने दिन लगेंगे? तो भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसका। दो तरीके हैं करने के, तरीके दो तीन तरीके हैं इसके, बट मैं जो तरीका है वो एक्चुअल तरीका बता दूँ। ये 4 क्या है आपके स्किल्ड, यहाँ पर आपके हो गए मज़दूर, तो ये आपकी एफिशिएंसी को दर्शा रहे हैं यहाँ पे। ओके, चार मजदूरों की एफिशिएंसी को बता रहा है, और वो किसी भी तालाब को बनाने में 8 दिन लेते हैं, ठीक है। और ये सेम, तो इनका जो टोटल वर्क होगा वही सेम टोटल वर्क इनका होगा, क्योंकि वही वो भी 8 अप्रिशिएशन मजदूर यानी कि अनस्किल्ड लेबर भी, 8 अनस्किल्ड लेबर भी क्या कर रहे हैं। तो यहाँ बोला गया 4 प्रशिक्षित मजदूर मतलब स्किल्ड लेबर जो है वो 8 दिन में किसी भी तालाब, किसी एक तालाब को बनाने का काम करते हैं, वहीं दूसरी जगह 8 अप्रशिक्षित मजदूर उसी तालाब को बनाने में, वही तालाब बनाने में कितने समय लेते हैं? 12 दिन का समय लेते हैं, ठीक है। ये एक्सपीरियंसड है भाई, ये वाले जो होते हैं प्रशिक्षित मजदूर स्किल्ड है, क्योंकि मंझे हुए इस में। लेकिन अभी मान लो कि नया फ्रेशर आया है तो वह अप्रशिक्षित मजदूर, तो ये 12 दिन का समय ले लेते हैं। वर्क वही है, इसलिए दोनों को मैंने इक्वल कर दिया आपस, क्योंकि टोटल वर्क दोनों सेम है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। आप क्वेश्चन करते ना, तो अब यहाँ पे क्या करना, आप इसका इसको काट सकते हैं हम, ठीक है। 8 से 8 कैंसिल हो गया, ठीक है। 4 × 4 = 12, इट मींस जो हमारा एस और यू एस का जो रेशियो आ जाएगा, मीन्स स्किल्ड लेबर यानी प्रशिक्षित मजदूर और अप्रशिक्षित मजदूरों को, वो आ जाएगा 3/1। सो अब आपको क्या करना है, ये एक टोटल वर्क के बराबर पूरा, ये भी एक टोटल वर्क है, तो किसी में भी किसी की वैल्यू रख लो। आप चाहो तो एस में एस की वैल्यू रख दो, जैसे कि यहाँ पे है ना 4s × 8, सो आप यहाँ पुट कर लीजिए वैल्यू 3, और यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई में 8 है, ये हमारा टोटल क्यों करे, तो 12 × 8 = 96। सेम जो आंसर हमने यहाँ रिसीव किया है, मींस गेट किया है, ये 96 यहाँ पर आ रहा है, 96 यहाँ पर भी आएगा, आप चेक कर सकते हैं। यूएस है हमारा 1, तो 8 × 1 = 8 और × 12 = 96, तो टोटल वर्क सेम। ओके, नाउ आपको क्या करना है, 3 प्रशिक्षित मजदूर प्लस 15 प्रशिक्षित मजदूर द्वारा कितना दिन लगेंगे, दिन कितने लगेंगे, टोटल दिन कितने लगेंगे। टोटल वर्क तो सेम ही रहेगा भाई, ठीक है। अब वही काम, टोटल वर्क सेम है, टोटल वर्क कितना है, 96, ये रहा 96 यहाँ पे, ये देखो ये 96 नीचे आया, नीचे कर देते ऐसे थोड़ा सा, 96
तो भाई इसको आप स्किल्ड लेबर कितने थे हमारे पास, 3, तो 3 × 3 = 9 प्लस 15 × 1 = 15 एंड मल्टीप्लाई t = 96 ऑलरेडी गिवन, तो 15 + 9 = 24 इंटू t = 96 24 × 4 = 96 सो टाइम इज़ 4 डेज। सो 3 प्रशिक्षित और 15 प्रशिक्षित मजदूरों द्वारा तालाब को बनाने में टोटल 4 दिन का समय लगेगा, ठीक है। तो ये कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था, प्रैक्टिस करो और अपनी एफिशिएंसी बढ़ाओ, क्योंकि आप इट डजेंट मैटर कि आप क्या करते हो, इफ़ यू डू अ जॉब और बट योर माइंड इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट जॉब, यू डिज़ायर टू गेट गवर्नमेंट जॉब एंड यू आर नॉट एबल टू मैनेज बोथ द थिंग्स, देन ये सिर्फ एक सिचुएशंस का हमें बट हमें सिचुएशन को मैनेज करना होगा एनी हाउ, ओके। सो डोंट फील एनी टाइम कि मैं तो आई एम फुल्ली स्टक इन द प्रॉब्लम्स, नो, जस्ट ट्राई एंड ट्राई ट्राई राइट, ओके। सो हियर टाइम इज़ 4 डेज, ओके। सो इट विल टेक 4 डेज बाई 3 प्रशिक्षित, 3 स्किल्ड लेबर एंड 450 अनस्किल्ड लेबर, ओके। सो वी कैन बेसिकली इरेज इट नाउ, लेट्स मूव टू द 6th क्वेश्चन। बिंदुओं -1.0 और 2.6 से जुड़े हुए रेखाखंड को आंतरिक रूप से 2:1 के अनुपात में बिंदु पर विभाजित किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर -1.0 है, यहाँ पर अपना 2.6 है, इसको 2:1 में इस रेखाखंड को यानी लाइन सेगमेंट को विभाजित किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो आपको क्लास 10 में सब लोगों ने सेक्शन पॉइंट फॉर्मूला पता है भाई, ये होता है हमारा M1, ये होता है हमारा M2, दिस इज X1, Y1, X2, Y2, ओके। सो लेट्स पुट द फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला, M1 X2 प्लस M2 X1, ओके, बाय 2 एज इट इज M1 Y2 प्लस M2 Y1 बाय M1 प्लस M2, ओके। इन लास्ट यहाँ पे M1 प्लस M2 होता है हमारा, ओके। सो हियर व्हाट इज M1, M1 इज 2 मल्टीप्लाई व्हाट इज X2, इट इज 2, ओके, दिस इज 2 एंड व्हाट इज M2 1 एंड व्हाट इज X1 -1 एंड इट इज 2 प्लस 1 3, सो व्हेन वी सॉल्व इट 4 प्लस 1 × 1 -1/3 एंड व्हाट इज M1 / 2, M1 इज 2 मल्टीप्लाई / 2 इज 6 प्लस व्हाट इज M2 1 / 1 = 0 2 + 1 = 3, सो इट विल बी 3 × 6 = 12 प्लस 0, सो वी विल सॉल्व इट नाउ, वी विल गेट, व्हेन वी विल सॉल्व इट वी विल गेट 1.4, सो करेक्ट आंसर विल बी 1.4, ओके 1.4। तो 2 बिंदु थे ये थे जो कि -1.0 और 2.6, ठीक है, से जुड़े हुए रेखाखंड, इनसे एक रेखाखंड जुड़ा हुआ है, ठीक है, जुड़ा हुआ है ये रहा रेखाखंड हमारा, दिस इज द रेखाखंड बिकॉज इट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स एंड 2:1 के अनुपात में बिंदु पर विभाजित किया जाता है, ठीक है। तो कौन 2:1 के अनुपात में बिंदुओं पर विभाजित किया जाएगा, सो कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, वो तो 1.4 होगा, ठीक है, आप लोग कर सकते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन था, लेट्स अब चलिए इसे इरेज कर देते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आया, एक साइंस का क्वेश्चन है, मोमेंटम कंसेप्ट से रिलेटेड, मोमेंटम कंसेप्ट से रिलेटेड है, p = mv, मोमेंटम = मास * वेलोसिटी, मोमेंटम को हम क्या कहते हैं, संवेग, संवेग से रिलेटेड, संवेग बराबर होता है हमारा वेग वो मास द्रव्यमान गुणा चाल, ये चाल क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी स्पीड ही तो होती है, बस वेलोसिटी की एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड एक डेस्ट एक अपनी मैग्नीट्यूड स्केलर क्वांटिटी है। तो वेरी इजी है, क्या करना है अपने को इसमें, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज़, ये तो सिंपल फॉर्मूला है लेकिन ये क्या है हमारा जो क्वेश्चन है ना, ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्वेश्चन है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब संवेग का, कंजर्वेशन को क्या कहते हैं हिंदी में, नाम तो याद नहीं आ रहा यार मुझे इस समय,
कंजर्वेशन को क्या कहते थे, अच्छा चलिए कोई नहीं, देख लेंगे कंजर्वेशन को हिंदी में क्या कहते हैं। ओके मतलब मोमेंटम को संवेग कहते हैं, संवेग का कंजर्वेशन मतलब कि कैसे होता है इसका फॉर्मूला, फॉर्मूला मैं राइट डाउन कर रहा हूँ यहाँ पे, आप ही देखिएगा यहाँ पे। सो दिस इज द फॉर्मूला m1 u1 + m2 u2 + m1 v1 + m2 v2। हियर m1 डिनोट कर रहा है आपका मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड m2 इज डिनोटिंग मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट एंड u1 इज डिनोटिंग इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट u2 हियर, v1 इज वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड v2 इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड। सो हियर वी कंसीडर कार जो है हमारी, कार वो हमारी सेकंड है, आप सब ऐसे सवा सेकंड किसी को मान सकते हैं, और ये ट्रक था, ट्रक ने आके इसको टक्कर मारी, ठीक है। तो ट्रक चल रहा था, मोशन में था, बट ये जो था रुका हुआ था, ये रेड लाइट पर खड़ा था अपनी। ओके कार जो थी रेड लाइट पर खड़ी थी एंड वेटिंग ऑन रेड लाइट, बट एब्रप्टली बस कम्स फ्रॉम बिहाइंड एंड हिट्स दिस कार। ओके सो व्हाट इज द एम हियर, दिस इज फर्स्ट ओके एंड दिस इज सेकंड। सो हियर एम इज 10 मीटर सेकंड से गतिमान एक 2000 किलो का ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराता है, टकराव के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर पर सेकंड की गति से चलते हैं, कार का द्रव्यमान हुए। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आते हैं कि एक गाड़ी खड़ी है और दूसरी गाड़ी ने उसका टक्कर मार दी और पूछ रहा कार का या उस बस का द्रव्यमान पूछने लगे, ठीक है, तो आप हमेशा इसी तरीके के क्वेश्चन लगाते हैं, इसे कहते हैं संवेग का फॉर्मूला लगाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला लगाना है आपको, जो कि ये है आपकी स्क्रीन पर। तो आपका m1 कितना है यहाँ पर, हु विल टेल मी व्हाट इज m1। हमेशा इंपेशेंटली पढ़ो, इंपेशेंटली मीन इंटरेस्ट के साथ पढ़ो किसी चीज़ को। ओके वॉट एवर यू डू इन योर लाइफ विद इंटरेस्ट दैट इज वेरी गुड इन योर लाइफ। ओके तो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर 2000 × u1 व्हाट इज u1, इट इज 10 इनिशियल वेलोसिटी एंड इट इज वी डोंट नो m2 कार का हमें मास नहीं पता, u2 हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है क्योंकि रुकी हुई कार। m1 कितना है अपने यहाँ पे, m1 है हमारा यहाँ पे 2000 एंड v1 इज 8 प्लस m2 नहीं पता हमें द्रव्यमान, v2 कितना है इसका भी 8 हो जाता है क्योंकि इसने बोला टक्कर के बाद में, तो इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 20,000, ये तो 0 ही हो गया, ये हो जाएगा 16,000, ठीक है, और ये हो जाएगा 8 m2। आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 500 किलो। सो हमारे पास कार का जो द्रव्यमान है वो कितना है m2, वो है हमारे पास 500 kg। ओके एंड आई डोंट थिंक दैट दिस इज़ सो कॉम्प्लेक्सिव क्वेश्चन, इट इज़ नॉट कॉम्प्लेक्सिव। ओके यू हैव द एफिशिएंसी टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ओनली यू नीड डेयर एंड ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ। ओके नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके दिस इज 6:45 PM बजे घड़ी में घंटे की सुई एवं मिनट की सुई के बीच निर्मित दो कोणों में से छोटे कोण का माप कितना होगा। तो जब भी भाई देखो क्या बोल रहा है, ये घड़ी है इसमें अभी जो है टाइम जो है यहाँ पे हमारा 6 है, यहाँ 45 होता है सबको पता है, 45 होगा बिल्कुल, 30 35 40 45। तो घंटे की सुई कहाँ पे है, ये छोटी वाली घंटे की हो गई और ये मिनट की हो गई बड़ी वाली, तो बोल रहा है कि इनके बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। भाई हम कैसे निकालेंगे इस इक्वेशन, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, सूत्र होता है 11/2 × minute - 30 और, तो आप यहाँ पुट कर दीजिए 11/2, व्हाट इज़ मिनट हियर, मिनट इज 45 - 30 व्हाट इज़ और 6। सो आप सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका, एलसीएम ले लीजिए भाई, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 45 और 45 5 495। ओके एंड 3 6 18, ओके 18 × 2, सो इट विल बी 360 इट विल बी यू विल गेट 5 9 - 6 3 एंड 4 - 3 1 2, सो 2 × 6 12 एंड 2 × 7 14 1 2, 67 सही 1/2 डिग्री का कोण बनाएगा ये, ठीक है।
ये इतना ही कोड बनाएगा, मतलब यहाँ पे इसके आगे डिग्री लगेगा, ठीक है, ये पहले मतलब है ना 67 सही 1/2 डिग्री का कोड बनाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से कर जाता है, सिर्फ आपको ही सूत्र याद रखना है इसमें, तो और कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है, जब भी घड़ी वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, टाइम वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे, तो आपको बस यहाँ पे डिग्री पूछा था कितनी डिग्री कोण बनाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 67 सही 1/2 डिग्री का कोण बनाएगा यहाँ पे। आप कोई भी दे दे, आपको पता है हमेशा मिनट में मिनट को रख दीजिए, ओवर में ओवर को रख दीजिए वैल्यू, तो कोई हार्ड चैलेंज नहीं है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ना जस्ट बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू इरेज, ओके आई सो डैट्स वाई वी कैन राइट इट हियर प्रॉपरली, ओके। सो वी विल डू दिस क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज आई थिंक वीडियो इज गोइंग टू बी सो लॉन्ग। सो वॉट आई एम डूइंग, आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो हियर इन पार्ट सेकेंड, ओके। एंड बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू आस्क द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, लाइक विषम की पहचान करें, विच इज़ द अलाइक, विच इज़ नॉट अलाइक, ओके, विच इज़ अनलाइक, दैट इज डिफरेंट। सो यू कैन सी हियर देर इज अ शेडिंग इन साइड, हियर इज शेडिंग इन साइड, हियर शेडिंग इन साइड, बट हियर शेडिंग इज आउट साइड, सो सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। सो वी विल कंटिन्यू ऑल दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो, ओके। सो मीन वाइल please watch all these videos and share as much you can with your friends. Let's meet in the next video. Thank you so much for your love and support. स्टूडेंट्स धीरे धीरे ज्वाइन करना शुरू करेंगे। कोशिश करते हैं, कोशिश कर रहे हैं ज़िंदगी में, शायद कोशिश करते करते हमारा भी चैनल और दो हमारी यूट्यूब पर आ रहे चैनल देखने के लिए शेयर करें और समझे, शायद उनके सपोर्ट से शायद हम पहुँच पाए आगे हम भी, तो एंड आई होप कि वो शेयर करेंगे हमारे वीडियो पर। बंद कर लेना आपने।